हेलो एंड गुड आफ्टरनून। वाई बोले तो क्यों में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग स्टडी करेंगे कि क्यों कुछ कोई भी चीज़ हो रही है। तो फर्स्ट वीडियो हमारी इस बारे में है कि वाई सिविल सर्विसेज डे इज़ सेलिब्रेटेड। तो आइए देखते हैं सिविल सर्विसेज डे क्यों मनाया जाता है। एक्चुअली ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को हर साल, एंड इट इज़ डेडिकेटेड टू द नेशंस सिविल सर्वेंट्स। इस दिन को इसलिए चूज़ किया क्योंकि द ऑनरेबल द देन होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल एड्रेस्ड द फर्स्ट बैच ऑफ प्रोबेशनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एट द मेटकेल्फ हाउस इन दिल्ली। तो जब 1947 में तब के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने तब के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, प्रोबेशनर जो फर्स्ट बैच था, उनको संबोधित किया था मेटकेल्फ हाउस दिल्ली में 21 अप्रैल को। इसीलिए ये दिन उनकी याद में 21 अप्रैल को मनाया जाता है, एंड इट इज़ नोन एज द सिविल सर्विसेज डे। उन्होंने सिविल सर्विसेज को या पब्लिक वर्क को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर अवार्डेड टू डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटिंग यूनिट्स फॉर प्रायोरिटी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड इनोवेशन कैटेगरीज ऑन सिविल सर्विसेज डे। तो ये वेरियस अवार्ड्स हैं जो सिविल सर्विसेज डे के दिन दिए जाते हैं। सिविल सर्विसेज इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है हमारे डेवलपमेंट के लिए? तो ये कह सकते हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है हमारी, जो हमारे DMs हैं, SP है, पटवारी है, कोई भी है XYZ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में है, वो हमारी बैकबोन है। अगर वो ना हो तो शायद जो हमारा रोज़मर्रे का कामकाज है, सरकारी कामकाज है, वो रुक जाएगा। ऑल्सो इट इज़ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि वो हमेशा रहते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो हर 5 साल बाद चयनित होकर दोबारा आते हैं, लेकिन ये लोग जो एक बार चयनित हो जाते हैं, ये आपके हमेशा के लिए रहते हैं जब तक वो रिटायर नहीं होते। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हम आपके लिए लेके आए हैं, वो देख लेते हैं। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि द सिविल सर्वेंट इज़ प्राइमरली द मास्टर ऑफ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। सरदार पटेल जी ने कहा था, अबव ऑल आई वुड एडवाइज यू टू मेंटेन टू द अटमोस्ट द इम्पार्शियलिटी एंड इनकरप्टिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट अफोर्ड टू एंड मस्ट नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, जिसका अपोजिट हो रहा है आज के दिन में, एंड नॉर मस्ट ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन कम्यूनल रेंगल्स। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर्स आर वन टीम, द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द स्टेट मिनिस्टर्स आर अदर टीम, द सिविल सर्वेंट्स एट द सेंटर एंड द स्टेट्स आर येट अनदर टीम, दिस इज़ द ओनली वे वी कैन सक्सेसफुली डिवेलप इंडिया। विंस्टन चर्चिल जी ने एक बार कहा था कि आफ्टर अ टाइम सिविल सर्वेंट्स टेंड टू बिकम नो लॉन्गर सर्वेंट्स एंड नो लॉन्गर सिविल। एंड ओटोवन वॉन बिस्मार्क थे, बहुत ही रेप्यूटेड आदमी थे, तो उन्होंने कहा था कि विद बैड लॉज एंड गुड सिविल सर्वेंट्स इट्स पॉसिबल टू गवर्न, बट विद बैड सिविल सर्वेंट्स इवन द बेस्ट लॉज कांट हेल्प। दस ये कुछ कोट्स थे, और हमेशा हमें अपने कार्य प्रणाली में कार्य करते वक्त इन सबको याद रखना चाहिए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।